हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेरिकल्चर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ सिलकवर्म। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेल एंड फीमेल के बारे में। तो सिलकवर्म क्या एक मौत है जो 30 mm लंबा होता है। इनमें मेल जो होता है वो फीमेल से छोटा होता है। अगर बात करें इनके कलर की तो इनका कलर क्रीमी वाइट होता है। मेल का सर फीमेल के सिर से छोटा होता है। इनमें बाईपेक्टिनेट एंटीनी पाई जाती है, आई कंपाउंड पाई जाती है, और जो मेल होते हैं इनके उनके मुखांग एक्रियाशील होते हैं तथा ये 2 से 7 दिन तक ही जीवित रहते हैं। मेल के उदर में 8 से 9 खंड पाए जाते हैं और मेल का जो पूरा शरीर है वो बालों से ढका रहता है। मेल एंड फीमेल विपरीत दिशा में होकर सेक्स करते हैं तथा निषेचन मादा के अंदर होता है, जिसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एग। तो फीमेल सेक्स के बाद एग देना प्रारंभ कर देती है और ये एग सहसूत की निचली सरफेस पर चिपकाकर समूह में दिए जाते हैं। फीमेल एक बार में 300 से 400 अंडे देती है। प्रत्येक अंडा गोलाकार व सफेद रंग का होता है जो पकने पर भूरे रंग में बदल जाता है। अंडे फूटने का समय गर्मियों में 10 से 12 दिन और सर्दियों में 30 दिन का होता है। कुछ जातियों के अंडे सर्दियों में फूटते नहीं, जिसे शीत निष्क्रियता कहते हैं, और इस शीत निष्क्रियता के कारण एक वर्ष में एक ही जनरेशन पैदा होगी और इस प्रकार की जातियां ठंडे स्थान पर पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना लार्वा। तो इसका जो लार्वा होता है वो अंडे से निकलने के बाद 3 mm लंबा होता है। इसका रंग स्लेटी होता है और इसके मुखांग काटने चबाने वाले होते हैं। लार्वा में वक्ष पर 3 जोड़ी और उदर में 5 जोड़ी टांगे पाई जाती है। लार्वा के 8वें खंड में मुड़ा हुआ उपांग होता है, जिसे पष्टीय सूकर कहते हैं। लार्वा 4 बार निर्मोचन करने के बाद पूर्ण विकसित लार्वा में बदल जाता है और पूर्ण विकसित लार्वा की जो लार ग्रंथियां है वह सर्वाधिक विकसित होती है। लार्वा का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। लार्वा 5वें निर्मोचन से पहले कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। लार्वा अपने वजन के 30,000 गुना पत्तियां खा लेता है। नेक्स्ट है प्यूपा। तो कोकून 38 mm लंबा और 19 mm चौड़ा होता है, जिसमें लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। कोकून एक ही धागे का बना होता है और इसके अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो 3 से 4 दिन में 1,000 मीटर लंबा धागा बुन देता है। प्यूपा स्टेज 10 से 15 दिन की होती है, जिसके बाद इसके अंदर जो प्यूपा पाया जाता है वो अपने मुंह से एक क्षारीय द्रव निकालता है, जिससे कोकून का जो अगला हिस्सा होता है वो गल जाता है और इसमें एक छेद हो जाता है और इस छेद से अडल्ट बाहर निकलता है। इसीलिए कोकून को बाहर निकलने से पहले उसे पानी में उबालकर धूप में सुखा देते हैं, जिससे कोकून से एक ही धागा प्राप्त हो। अगर कोकून से अडल्ट बाहर निकल जाता है तो जो धागा है वो टुकड़ों में बंट जाता है और उसकी क्वालिटी का लॉस हो जाता है। इसीलिए प्यूपा को उसके अंदर ही मार देते हैं तथा कोकून से रेशमी धागा निकालकर उसे साफ कर लिया जाता है।